एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को लेकर दिल्ली के बाद अब राजस्थान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ते AQI की वजह से बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इससे अस्थमा के मरीजों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई और लोगों को आंखों और स्किन पर जलन होने का एहसास होने लगा। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, गंगानगर और बीकानेर में बादल छाने के बाद पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में AQI का लेवल 400 से ऊपर चला गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बादल छाए हैं और आसमान के अपर लेवल पर हवा की स्पीड बहुत कम है। इस कारण प्रदूषण और कार्बन पार्टिकल्स हवा में ऊपर जाकर फंस गए, इससे शहरों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खराब स्थिति गंगानगर शहर की है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 450 तक पहुंच गया, जो NCR एरिया भिवाड़ी से भी ज्यादा रहा। गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर में भी स्थिति खराब है। बता दें, हनुमानगढ़ में AQI का लेवल औसतन 393 और बीकानेर में 273 दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर में भी AQI लेवल 220 से 270 के बीच दर्ज किया गया। मौसम में इस बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव अस्थमा मरीजों पर हो रहा है। पुराने मरीजों में खांसी, कफ की शिकायत के साथ सांस लेने में तकलीफ भी शुरू हो गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज जयपुर शहर में रहा। शहर में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और धूप कम थी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम का असर अभी 2-3 दिन रहेगा, जिससे राजस्थान में हवा की स्पीड कम रहेगी और पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रदूषण के कारण बच्चों में खांसी, जुकाम के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जिन बच्चों को अस्थमा है या वो एलर्जिक है, उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। खास बात यह है कि इस बार प्रदूषण के कारण हो रही सर्दी खांसी भी जल्द ठीक नहीं हो रही, इसलिए बच्चों को प्रदूषण से बचाना ही सबसे बेहतर उपाय। हल्की स्मोक व धूल कणों की वजह से अस्पतालों में भी आंखों में एलर्जी और सांस के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। हवा की गुणवत्ता खराब होने और स्मोक की वजह से खांसी, सांस फूलना, आंखों में खुजली, जलन और अस्थमा अटैक जैसे मामले बढ़ गए। वहीं भिवाड़ी में लगातार बिगड़ती हवा की सेहत को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। शहर में टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और एंटी स्मोक गन व रोड स्वैपिंग मशीन से सड़कों की सफाई की जा रही है। वहीं गृह नियमों का पालन नहीं करने पर रिको प्रथम यूनिट 24 और द्वितीय यूनिट ने 16 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर 2,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदूषण के कारण 7 दिनों से मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल इतना ही।